हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आईएनटी इक्विब्रिया का लेक्चर 2 और वो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट होता है, और जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होता है वो लिविस कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए एक एक करके हम यहां पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर कभी भी कोई एच पॉजिटिव आयन डोनर किसी कंपाउंड में है तो उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और अगर OH नेगेटिव आयन डोनर किसी कंपाउंड में है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेसिकली बेस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता था कि जो एच पॉजिटिव डोनर्स हैं उसे हम बेसिकली एसिड्स कहेंगे और जो OH नेगेटिव डोनर्स हैं उसे हम बेस कहेंगे। चलिए इसके एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम यहां पर एसिड का एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए एसिड क्या होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो बेसिकली एच पॉजिटिव आयंस को डोनेट करे। तो यहां पर देखिए हम मान लेते हैं वो एसिड क्या है, HCl है। अब HCl देखिए यहां पर क्या कर रहा है, बेसिकली H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा, एसिड होगा। HCl विल बिहेव एन एसिड बिकॉज इट इज बेसिकली डोनेटिंग द H पॉजिटिव आयंस। अब देखते हैं बच्चों कि बेस क्या होता है। सपोज हमने यहां पर देखिए NaOH लिया, तो हम यहां देखेंगे कि ये जो NaOH है ये OH नेगेटिव आयंस को डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम NaOH को बेस कहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये होती है कि ये कॉन्सेप्ट फेल क्यों हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि हर वो कंपाउंड जिसमें H है, यहां तो चलिए H है आपके पास HCl में तो आप इसको कह सकते हैं ये एसिड, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां H नहीं होता लेकिन फिर भी वो एसिड की तरह काम करते हैं। तो आपको जैसे हम इसका एक एग्जांपल बताते हैं कि जैसे हम BF3 की बात करते हैं, तो BF3 में कहीं पे भी देखिए H आयन नहीं मौजूद होता लेकिन फिर भी वो एक लिविस एसिड होता है। तो दैट मींस हर वो कंपाउंड जिसके पास HCl, जिसके पास जो H पॉजिटिव आयन को फर्निश करता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एसिड होगा, दूसरे भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास H नेगेटिव आयंस नहीं है, H पॉजिटिव आयंस नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनके पास OH नेगेटिव नहीं है वो फिर भी बच्चों बेस की तरह काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं NH3 का, तो NH3 के पास कहीं पे भी देखिए OH नेगेटिव आयंस नहीं है लेकिन स्टिल दिस NH3 इज बिहेविंग एज अ बेस। दैट मींस कि इसकी जो डिमेरिट हो गई, तो डिमेरिट में हम बेसिकली ये समझेंगे कि हर वो कंपाउंड जिसके पास OH या एच पॉजिटिव नहीं होता वो भी एसिड या बेस की तरह काम करता है, और इसके हमने यहां पर आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। अब चलिए हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसको हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम एक्चुअली बच्चों क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के रेफरेंस में किसी कंपाउंड को एसिड या बेस की तरह क्लासिफाई करता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से एसिड क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से बेस क्या होता है हमें
ये समझना पड़ेगा और उसके बाद हम इसकी आगे की डिटेल्स लेंगे। तो चलिए, ब्रॉन्स्टेड डोरी के हिसाब से जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिड कहते हैं। और अगर आप यहां बेस की बात करें तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। अब यहां पर एक चीज को आपको समझना है कि जब कभी भी मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा तो हमेशा दो चीजों की बात हमें और करनी है। कोई भी अगर हम एसिड की बात करेंगे, किसी भी अगर हम एसिड की बात करेंगे बच्चों, तो उसके साथ हमेशा उसके कंजुगेट बेस की बात हमें करनी पड़ेगी, कंजुगेट बेस की बात करनी पड़ेगी। और कभी भी अगर हम बेस की बात करें तो उसके हमेशा हमें कंजुगेट एसिड की बात करनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसको हम यहां पर कॉन्सेप्ट पर देखते हैं कि एक्चुअली एसिड का कंजुगेट बेस और बेस का कंजुगेट एसिड होता क्या है। तो चलिए यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने HCl का एग्जांपल लिया और आप HCl में देख सकते हैं यहां पे H पॉजिटिव है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जब हम इसको बच्चों डिसोसिएट करेंगे तो ये देखिए H पॉजिटिव और CL नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप यहां पे समझिएगा कि ये अगर एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस हम कैसे पहचानेंगे। एक्चुअली कंजुगेट बेस वो चीज होती है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करके वही एसिड बना देगी जिससे वो बनी होगी। चलिए समझते हैं इस चीज को कि अगर यहां पर देखिए ये HCl है और इस HCl ने यहां H पॉजिटिव को डोनेट किया है तो दिस HCl इज डेफिनेटली एन एसिड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस Cl नेगेटिव में H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कराते हैं या हम ये कहते हैं कि अगर ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है तो देखिए ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस कि यहां पे जो ये Cl नेगेटिव है ये HCl का क्या है बच्चों, कंजुगेट बेस है। या अगर आपसे बोले कि आपके पास कोई बेस आ जाए तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वो भी हम इस तरीके से ही निकालते हैं। तो बेसिकली व्हेन एन एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन द पोर्शन ऑफ द एसिड दैट रिमेन्स इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कंजुगेट बेस। दैट मींस कि देखिए कंजुगेट बेस की यहां पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये बेसिकली है इट इज दैट पोर्शन ऑफ एसिड portion of acid that remains after the release of H positive from acid, that is here in this case the acid is HCl। तो चलिए ऐसे थोड़े और हम यहां पर एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं और फिर हम यहां पर कुछ और दो चार बातें ब्रॉन्स्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डील करते हैं बच्चों। तो होपफुली आपको यहां पर ब्रॉन्स्टेड लोरी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं कि हमारे पास बच्चों HCl है और HCl का हम वाटर के साथ रिएक्शन ले रहे हैं और हमें यहां पर यह निकालना है कि कौन सा एसिड की तरह काम कर रहा है और कौन सा बेस की तरह काम कर रहा है, कौन से एसिड का कौन सा कंजुगेट बेस होगा और कौन से बेस का कौन सा कंजुगेट एसिड होगा। तो आप यहां पे देखते हैं कि बच्चों जो ये वाटर है इस HCl का देखिए ये H पॉजिटिव एक्चुअली ये वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और ये H3O पॉजिटिव जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये देखिए यहां से ये जो Cl है
वो अलग हो जाएगा क्लोराइड आयन के फॉर्म में। अब हमें यह बताना है कि इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, कौन सा इसमें एसिड है और कौन सा इसमें बेस है। तो डेफिनेटली ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से जिसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया, देखिए इसमें HCl ने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया और वाटर ने H पॉजिटिव आयन को एक्चुअली एक्सेप्ट किया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए ये हमारा एसिड वन है और जो बेस होगा यहां पर, देखिए एसिड वन का बेस होगा और इसका अगर बच्चों हम कंजुगेट बेस निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इन दो स्पीशीज में जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके HCl जनरेट कर देता है वो इस एसिड का कंजुगेट बेस होगा। तो आप यहां पे देखें कि अगर ये Cl नेगेटिव मान लीजिए यहां से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप देखेंगे कि ये HCl में कन्वर्ट हो जा रहा है और इसीलिए इस एसिड का कंजुगेट बेस Cl नेगेटिव होगा। दिस इज द कंजुगेट बेस। तो इसको हम एक्चुअली कैसे लिख सकते हैं, इसको हम बेस वन भी कह सकते हैं। इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ एसिड वन। अब चलिए ये बेस वन हो गया अगर, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट करा, वाटर ने। तो देखिए अगर मैं इसको बोलता हूं बेस, तो अब हमें ये देखना है कि यहां पर ये जब H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ होगा। आप देखेंगे यहां पे वाटर के में दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और वाटर में यहां पर तीन एटम्स हाइड्रोजन के। दैट मींस कि इसने जब H पॉजिटिव का गेन किया होगा तो ये H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। दैट मींस H3O पॉजिटिव कब बना होगा, जब एक प्रोटॉन का एक्सेप्टेंस वाटर ने करा होगा और वाटर जो है हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ। दैट मींस इस केस में बच्चों ये जो है ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड टू की तरह। अब देखिए इसको अगर हम उल्टा पढ़ें, अगर हम ये देखें कि अगर मैं इसमें से प्रोटॉन को निकाल दूं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए अगर इसमें से मैं प्रोटॉन को निकाल देता हूं तो ऑब्वियस ही बात है जो चीज बचेगी वो वाटर बचेगी। दैट मींस कि अगर H3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली दिस इज एन एसिड और इससे बनने वाली स्पीशीज जो होगी वो वाटर होगी। क्यों, क्योंकि अगर इसी में मैं H पॉजिटिव का गेन करा दूं तो दोबारा हमारे पास बच्चों क्या जनरेट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन जनरेट हो जाता है। तो ये देखिए ये हमने हमारा पहला एग्जाम्पल यहां कोरिलेट किया, यहां पे हमने ये देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है और अब एक और हम यहां पर एग्जाम्पल को कोरिलेट करते हैं। चलिए देखते हैं क्योंकि कभी कभी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखकर आता है। तो चलिए यहां पर हम एक केस लेते हैं अमोनिया का और अमोनिया के साथ हम वाटर का रिएक्शन जब कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, आप यहां बताइए। यहां एक तो अमोनियम आयन जनरेट होगा, देखिए ये अमोनियम आयन जनरेट होगा और यहां से ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें एसिड वन और एसिड टू की तरह कौन काम कर रहा है। देखिए ये आपके पास अमोनिया है, इस अमोनियम ने यहां से एक एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया होगा। तो जब इसने एक एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो ये बेस की तरह काम करेगी क्योंकि एच पॉजिटिव एक्सेप्टर जो होते हैं वो बेस होते हैं। दैट मींस इन दिस केस हियर द अमोनिया इज द बेस वन। अब देखिए अब इसका कंजुगेट एसिड अगर हमने निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि जो बेसिकली क्या करने वाला है,
एच पॉजिटिव को डोनेट करने वाला है। तो देखिए एच पॉजिटिव को डोनेट करके जो अमोनिया बना दे इन दोनों में से वही कंजुगेट एसिड होगा। तो देखते हैं यहां पे कंडीशन पॉसिबल है, यहां पे कंडीशन बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो ये ओ नेगेटिव टू और टू नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर एच पॉजिटिव डोनेट होता है तो यह अमोनिया बन जाएगी, दैट मीन्स कि अमोनियम आयन इज एक्टिंग एज अ कंजुगेट एसिड, या मैं इसको सिंपली बच्चों क्या कर सकता हूं, एसिड वन कर सकता हूं। अब देखिए यहां पर इस चीज को स्टडी करते हैं, वाटर का केस देखते हैं। वाटर ने एच पॉजिटिव को डोनेट करके ओ एच नेगेटिव बनाया, दैट मींस यहां पर बच्चों ये हो गया हमारा एसिड और ये हमारा एसिड टू हो गया। अब देखिए ये जो OH नेगेटिव है जब ये H पॉजिटिव का गेन करेगा तो ये वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मींस दिस विल बी द कंजुगेट बेस, या इसको मैं बेस 2 कह सकता हूं। अब यहां पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। हम H2SO4 का पार्शियल डिसोसिएशन का केस आपको बताते हैं। देखिए ये है हमारे पास H2SO4। अब यहां पे देखिए इसने H पॉजिटिव डोनेट किया और देखिए ये HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहां पर देखेंगे कि H2SO4 ने H पॉजिटिव डोनेट किया, इसीलिए ये एसिड है, और देखिए जब ये H पॉजिटिव का गेन कर लेगा तो ये बेस हो जाएगा। तो इस केस में H2SO4 का कंजुगेट बेस जो है वो क्या है बच्चों, HSO4 नेगेटिव। अब देखिए सेकेंड स्टेप ऑफ डिसोसिएशन में अगर हम देखें HSO4 नेगेटिव जब H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो वो बनाएगा सल्फेट 2 नेगेटिव। तो अब यहां पर आप देखें कि इस अब HSO4 नेगेटिव ने इस स्टेप में H पॉजिटिव को डोनेट करा तो यहां पर बच्चों ये एसिड की तरह काम करेगा और H2SO4 जो है यहां पर कंजुगेट बेस की तरह काम करेगा। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जहां पर हमने ये देखा कि हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया है, जिसमें हमने बेसिकली आपको ये बताया है कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। अब देखिए अगर आप यहीं पे बच्चों वॉटर और अमोनिया के केस को स्टडी करें तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक कहलाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक कहलाते हैं। तो ये देखिए अगर हम यहां पर इन दोनों की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह काम कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। दैट मींस दे कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज अ बेस, दे कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। कुछ कंडीशंस में ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और कुछ कंडीशंस में ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए अमोनिया और वाटर, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम देखें बच्चों यहां पर अमोनिया और जो वाटर है वो देखिए एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक है, जैसा कि हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा है। ठीक है, तो यहां पर ये दो एग्जाम्पल्स जो बन रहे हैं सेकंड और थर्ड, ये एम्फीप्रोटिक के एग्जाम्पल्स बन रहे हैं। अब चलिए हम थर्ड कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे हम लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के नाम से जानते हैं और इसको अब हम यहां पर स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है, वैसे लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहलाता है। तो जो हमारा यहां पर बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है
लेविस कॉन्सेप्ट, दिस इज द लेविस कॉन्सेप्ट, या इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर एसिड और बेसिस को जो परिभाषित करा गया है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर करा गया। चलिए देखते हैं, दो कंडीशनें हो सकती हैं। लेविस एसिड क्या होता है बच्चों, और लेविस बेस क्या होता है। तो देखिए, हर वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो लेविस एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसे हम बेसिकली लेविस बेस कहते हैं। और यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल भी है। अब हमें यह देखना है कि दो चीजें हमने स्टडी करी कि लेविस एसिड क्या है और लेविस बेस क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लेविस बेस कहलाता है। अब हमें देखना है कि किन कंडीशंस में यह चीज बच्चों फॉलो होगी। तो अगर हम यहां पर लेविस एसिड की बात करते हैं तो देखिए किन कंडीशंस में कोई कंपाउंड लेविस एसिड की तरह काम करेगा, इसको समझते हैं। पहली कंडीशन कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो, इट शुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इट शुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तभी वो बेसिकली क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। और ऐसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हैं क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं, उनको पॉजिटिवली चार्ज होना पड़ेगा। वो ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल की कंडीशन में होना क्या चाहिए कि उनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन यहां पर होता है कि जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट शुड बी इनकम्प्लीट। और देखिए इसी कारण से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। चलिए एक यहां पर हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखिए अगर हम यहां पर एक केस लेते हैं BF3 का, और हम एक केस लेते हैं बच्चों अमोनिया का। अब अगर इन चीज को हम स्टडी करें कि कैसे BF3 अमोनिया के साथ एसोसिएशन बनाता है, तो हम आपको यहां पे बताते हैं। ये देखिए आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये आपके पास अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया के पास तीन यहां पर आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो तीन बॉन्ड पेयर है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक देख लिए इसमें लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर आप यहां पर अगर BF3 के स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो आप यहां देखेंगे कि BF3 में सिर्फ और सिर्फ तीन बॉन्ड पेयर हैं, दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स हेयर इन दिस केस द सेंट्रल एटम ऑफ बोरॉन हैज इट्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये क्या करना चाहेगा, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और इसीलिए देखिए जो नाइट्रोजन है वो अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर इस बोरॉन एटम को डोनेट कर देगा। दैट मींस कि ये जो बोरॉन है या जो BF3 एज अ कंपाउंड है, दिस विल एक्ट एज अ लेविस एसिड, क्योंकि इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। और देखिए अगर अमोनिया की हम बात करें तो ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है। अब दैट मींस कि लेविस एसिड में पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो अगर हम लेविस बेस की बच्चों बात करें तो क्या होना चाहिए, देखिए हम ये यहीं पे इस
बेस के नीचे लिख देते हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो दो कंडीशन यहां होनी चाहिए, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप बच्चों देखेंगे तो हमारे पास जो 5A ग्रुप होता है, जो नाइट्रोजन फैमिली होती है जिसमें अमोनिया आता है, आप इसमें देखें इसमें बेसिकली एक लोन पेयर होता है। अगर आप 6A की बात करेंगे, आप वाटर का केस ले लीजिए तो ऑक्सीजन पे आप देखेंगे दो लोन पेयर होते हैं। अगर आप 7A ले लें और आप जिसमें HF को देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें तीन लोन पेयर्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5, 6 और 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास बेसिकली लोन पेयर्स होते हैं और इसीलिए ज्यादातर वो बेसिस की तरह काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि वो कंपाउंड्स जो एस पॉजिटिव को डोनेट करें उनको एसिड कहेंगे, वो कंपाउंड्स जो सिर्फ OH नेगेटिव को डोनेट करें उनको बेस कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट फेल होता है इसलिए क्योंकि हर एक कंपाउंड जो जिसके पास एसिड H पॉजिटिव नहीं होता वो भी एसिड की तरह काम कर सकता है, और हर वो कंपाउंड जिसके पास OH नेगेटिव नहीं होता वो भी बेस की तरह काम कर सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेसिकली ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, जो कि प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है, जिसके हिसाब से प्रोटॉन डोनर जो होता है एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेस होता है। और थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है बच्चों उसमें हमने लिविस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें उसमें हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बेसिकली सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे।